alaikum. Kaise hain sab? I hope ki aap sabhi bahut acche honge. Alhamdulillah, main bhi achhi hoon. To aap sabko pata chal hi gaya hoga, ye jo vlog hai, ye mere betu ki birthday ka hai. Aur mashaAllah, mere jo betu hain, wo 4 years ke ho gaye hain. Uski jo birthday thi, wo 14th July ko thi. और इस तरह से था कि अभी तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ये तो हम जद्दा जा रहे थे, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ. तो 13 जुलाई को असर के बाद इस तरह से था कि हम मोहम्मद हसन के लिए गिफ्ट्स लेने चले गए थे. मेरे भाई भी थे हमारे साथ क्योंकि ईद की छुट्टियाँ थीं, तो हम सब गिफ्ट्स लेने गए. और तकरीबन रात के 12 बजने में तकरीबन 15 मिनट थे और हम घर के अंदर आए. हमने उसके लिए गिफ्ट्स लिए और कुछ दो तीन काम थे वो किए. तो हमारा इरादा था कि हमने मोहम्मद हसन के लिए बहुत प्यारा सा केक लेना है, जो कि रात के 12 बजे हम उसको खुश करेंगे और ख़ुद भी खुश होंगे. मगर फिर हम नहीं ले पाए थे. तो ईद के जो हमने उसके लिए कप केक्स लिए थे, बस उसमें से एक बच गया था. फिर हमने उसी के साथ ही मोहम्मद हसन को खुश कर लिया था और अपने आप को भी. उसके बाद यह था कि हमारा इरादा यह था कि हमने मोहम्मद हसन की जो बर्थडे है वो उसके बाबा के साथ मनानी है, जो कि मोहम्मद हसन के थाया हैं, वो होते हैं जद्दा में. तो यह था कि फिर हमें उनके पास वीकेंड पर जाना था. वो इस वजह से क्योंकि एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और पहले से ही ये प्लान था कि हम उनके पास बर्थडे मनाएंगे, थोड़ा सा लेट हो जाएगा मगर कोई मसला नहीं है. और बहुत सी छोटी सी ही बर्थडे उसकी सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ठीक नहीं है, बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं. तो फिर हम आ गए थे जद्दा और उसके बाद फिर मैं चली गई थी फ्लेमिंगो मॉल. मुझे वहाँ पर दो तीन काम थे, मुझे अबायास लेने थे, वो ले लिए. फिर हम घर गए और हमने वहाँ पर डिनर किया. उसके बाद ये अगला दिन है, रात भर हमने खूब ढेर सारी बातें की. फिर ये अगला दिन था और आज सुबह ऐसा था कि हमने हलवा पूरी मंगवाई थी और इस तरह से हुआ कि उससे मेरी तबीयत ख़राब हो गई और पूरा दिन ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब रही. पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान रही. असर के बाद फिर यह था कि हमने मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और फिर हम आ गए थे कुछ मोहम्मद हसन के लिए, जो हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी तो कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लेने के लिए. बहुत ज़्यादा नहीं करना था हमें क्योंकि वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी पहले भी. और यह था कि हमने सोचा ही यही था कि इस बार हम बहुत छोटी सी ही करेंगे. तो बस हम यहाँ आ गए थे डेन्यू और ये असर के बाद आए थे. पूरा दिन ही मैं यूँ समझे कि बेड पर ही थी. उसके बाद फिर जो चीज़ें हमने लेनी थी वो ले ली थी. पीछे जो आपने बाइक देखी वो हम लेना चाह रहे थे मगर वो थोड़ी सी छोटी थी. तो वैसे हमारा इरादा है कि हम वो भी मोहम्मद हसन के लिए ले लेंगे, तो उसमें रेड वाली, मगर उसमें हमें थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी. उसके बाद मैं ज़्यादा घूम नहीं सकती थी वैसे भी और मैं बहुत हिम्मत करके निकली थी. वैसे मैं निकल भी नहीं पा रही थी मगर मैंने बहुत हिम्मत की अपनी बेटियों के लिए. फिर हमने उसके बाद बास्किन रॉबिन्स से मोहम्मद हसन के लिए केक ले लिया था. छोटा सा लिया था क्योंकि हम कुछ ही लोग थे और बस अब हम जा रहे थे घर. मेक मी हैप्पी. मैं अपनी मेमोरीज के लिए टिकटॉक पर वीडियोस बना लेती हूँ, तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया और भी वीडियोस बनाई हैं.
तो ऐसा है कि फिर हम ये था कि घर आ गए थे, मगर मैंने फिर बहुत अच्छे से रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रही थी। उसके बाद काफ़ी देर बाद फिर यह था कि हम सब ने मिलकर, मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं, मगर और सब ने मिलकर थोड़ी बहुत डेकोरेशन की और फिर सब रेडी हुए और फिर मोहम्मद हसन को इस तरह से एक कॉर्नर पर खड़ा करके उसके फोटो शूट कर रहे थे और उसको ज़बरदस्ती ही खड़ा किया हुआ था और सब मिलकर उसको हंसा रहे थे और उसको खुश कर रहे थे और उसको ये फील करवा रहे थे कि आज उसकी बर्थडे है। तो बस ऐसा था और बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, मगर सब ने मिलकर किया तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था और मेरा बेटू सच्ची में बहुत इन्जॉय कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर यह था कि अब केक खाना था, जो कि 3 दफ़ा केक ये वाला खट हुआ है। वो बताती हूँ कि क्यों। तो सबसे पहला तो ये था कि मेरे बेटू के बाबा के साथ ये केक खट हुआ था और मेरे बेटू के मामू के साथ और इसके डैडी के साथ, और बहुत कुछ ही घंटे थे मगर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत हंसी मजाक था और हम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे। तो बस इस तरह से था और 3 दफ़ा इस वजह से कट हुआ क्योंकि कुछ पर्दे की वजह से हम और भी लोग थे, मगर मैं इस व्लॉग में वो ही मैंने क्लिप्स डाली हैं जो कि मैं ऐड कर सकती थी। और ये है ब्यूटीफुल सा केक जो कि मेरे बेटू ने खुद ही पसंद किया था, और ये है आइसक्रीम केक जो कि बहुत ही मज़े का होता है और हमें वैसे आइसक्रीम केक ही पसंद है। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा ना इन वीडियोस को देखकर कि हम कितना एंजॉय कर रहे थे और हम और भी लोग थे, बहुत हंसी मजाक, बहुत ज़्यादा हम एंजॉय कर रहे थे, माशाल्लाह बहुत हमने अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया था। हमारा ये इरादा था कि इसके बाद हमें जाना था कोई बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट और वहाँ पर जाके बहुत अच्छा सा डिनर करना था, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं सोचना भी नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाके कोई खाना खाऊं। तो मैंने इन सब को बहुत बोला कि हम ज़रूर बाहर जाते हैं, मगर यह था कि सब ने फिर यही ही डिसाइड किया मेरी तबीयत की वजह से कि नहीं, अब हम घर में ही खाना खाएंगे। तो यह था कि इवन के घर पर भी बाहर से ऑर्डर नहीं किया हमने, हमने घर में ही खाना बनाया, मैंने नहीं, मोहम्मद हसन के बाबा ने, बस हमने फिर घर में ही डिनर किया था। अच्छा, अब ये 3री दफ़ा कट रहा था, 2री दफ़ा मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती थी, कुछ रीज़न है उसके पीछे। तो बस ये है और ये 3री दफ़ा कट हो रहा था और बस इसके बाद यही ही था, हमने फिर इस केक को सबने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। फिर एक टाइम ये था कि मोहम्मद हसन के जो गिफ्ट्स थे वो हमने खोलने थे और मोहम्मद हसन ने इसके लिए बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार किया था क्योंकि जब हम ये ले रहे थे तो वो साथ थे, मगर मेरे जो भाई थे वो मोहम्मद हसन को लेकर इधर उधर हो गए थे ताकि वो ना देख सके, और मगर उसको पता था कि ये मेरे बर्थडे के गिफ्ट्स हैं। और बाकी मेरे बेटू को कैश मिला था और उसके बाबा ने बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था, उसके मामू ने कैश और गिफ्ट दिया था। तो बस यही था, उसके बाद हमने फिर बहुत अच्छे से डिनर किया घर में ही और फिर हमने 2 मूवीज़ लगा ली थी और सुबह तक हम मूवीज़ देखते रहे और बहुत सारी बातें भी साथ साथ करते रहे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा हमने इन्जॉय किया।
तो बस यही था मेरा व्लॉग. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो. तो मुझे ज़रूर ही कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.